उमर बाजवा ओपनिंग के लिए आ चुके हैं, उनका साथ देंगे इमरान अटक। होम ग्राउंड है शकीन की, एक बहुत बड़ी तादाद ग्राउंड के चारों तरफ। पहला बॉल अब्दाली लेफ्ट आर्म फास्ट फ्रॉम केपीके, सामने बाजवा, पहला बॉल शॉट के लिए फाइनल की जानिब, चार रन बटोरे हैं। अपनी आमद का ऐलान किया लोकल बॉय उमर बाजवा ने। नासिर पठान विकेट कीपर है, उमर गुज्जर, बड़ी तगड़ी साइड है फैसलाबाद की। जगह पे बदला लिया है यहाँ पे उमर बाजवा से अब्दाली ने, पहली बार पे चौका, दूसरी बार पे वापसी का रास्ता दिखाया है उमर बाजवा को। फकरे कोसार आया, कोसार का शहजादा चांद सत्ती जी है जेडी ब्रांड के साथ हारने वाली टीम का मुकाबला होगा गुजरात से। वाव, ये चेहरे नहीं ये चाप है, ये बल्लेबाज बहुत खास है। फखरे कोसार ने इस बड़े मुकाबले में अपनी आमद का ऐलान किया अब्दाली को छक्का लगा के, जिन्होंने पिछली बार पे लोकल बॉय उमर बाजवा को आउट किया। तीन बार पे 10 रन आ चुका है, बड़ा धमाकेदार स्टार्ट इस बड़े मुकाबले का गेमान दोस्तों। अब्दाली वंस अगेन अपने बॉलिंग के निशान से आए, तेज हुए बॉल की शॉट, गोइंग बाजवा की तरह जाना पड़ेगा वापिस चांद सत्ती को भी। पहली बार पे चौका लगाया अब्दाली ने, बदला लिया बाजवा को, वापसी का रास्ता दिखाया। अब दूसरी बार तीसरी बार पे छक्का खाया चांद ने, पहली पे छक्का लगाया, अगली बार पे जगह पे बदला लिया है यहाँ पे और पवेलियन का रास्ता दिखाया। दो बड़े नुकसान, दोनों ओपन प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, नए आने वाले बल्लेबाज हैं सजावल ताज, सत्ती का दिल टूटा सदार ताहिर। अगला बॉल आपकी बार, गैप को तलाश किया है, ग्राउंड शॉट के लिए हैं चार, रुक गया जी बॉल, काफी घास था, यकीनी चौका रुका है यहाँ पे नए आने वाले बॉलर होंगे सरदार हसनैन, रावल पिंडी एक्सप्रेस, फकरे का होटा, देखते हैं क्या करते हैं सरदार। दूसरे ओवर का पहला बॉल, पहला बॉल बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे डाइव लगाई, ना पहुंच पाए, काम ना आई और बॉल दो रन मिलेंगे, तीसरे की कॉल है। जबरदस्त रनिंग विकेटों के दरमियान चौथा नहीं बनाएंगे, तमूर मिर्जा बैकअप के लिए मौजूद थे। एक बार फिर से सरदार हसनैन, राहुल पिंडी एक्सप्रेस अगला बॉल करने के लिए दौड़े, जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है आपकी बात, कमाल का कैच, रास्ता दिखाया वापसी का सरदार हसनैन ने, जाइए आप भी जाइए और ज्वाइन कीजिए चांद सत्ती और उमर बाजवा को। इमरान अटक सामना करेंगे जब तक ये बल्लेबाज विकेट पे मौजूद है, एक तगड़ा टारगेट स्कोरबोर्ड पे लग सकता है पांच ओवर में। दूसरे ओवर का खेल जारी है, पहले ओवर में 14 रन आए थे, माजा जी ये कॉल आ गई थी, चपेट सीध किया यहाँ पे इमरान अटक ने सरदार हसनैन को, वाह 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 व्हाट अ शॉट, जस्ट प्लस चक्का इमरान अटक के बल्ले से, बॉलिंग डंडा हिल चुका, विल्स गिर चुकी, जाना पड़ेगा वापिस और जगह पे बदला लिया सरदार हसनैन ने। नए आने वाले बल्लेबाज सरदार सुल्तान महमूद, बार हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, उमर गुज्जर नहीं छोड़ेगा ये कैच, सरदार हसनैन यू ब्यूटी, क्या जबरदस्त ओवर करके दिया है यहाँ पे, इमरान अटक को भी आउट किया दो छक्के लगने के बाद और अब सुल्तान महमूद को भी पहली ही बॉल पे वापसी का रास्ता। दो में 31 रन अच्छा था लेकिन साथ साथ विकेटें देते रहे इमरान अटक, दो छक्के लगाए सरदार को कमाल के लेकिन आउट हो गए। चांद सत्ती पहली पे छक्का लगाया अब्दाली को आउट हो गए अगली बॉल पे, इसी तरह चौका लगाया पहली बॉल पे बाजवा ने, होम ग्राउंड था वो भी आउट हो गए। गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और ये गलतियां बड़ी अच्छी हैं टीम फैसलाबाद के लिए। स्ट्राइक पे आ चुके हैं तैयब अबासी, थैंक यू सो मच, ओ ये बॉल नजर नहीं आया तैयब अबासी को,
बाल कहाँ बल्ला कहाँ, और ये जो फील्डर हैं अब तक के सबसे दराज काद हैं, निमरान, इच्छाम, सजावल, सुल्तान, जबरदस्त बाल, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। लोकल प्लेयर्स के पास ये बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा स्टेज है और अपना टैलेंट वो शो कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले दौर में कैसी बैटिंग करते हैं, मुश्किल में है टीम एबटाबाद। बड़ा जबरदस्त शॉट कह रहे हैं, तजर्बे का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ये बाल अच्छा बिल्कुल नहीं था, आसान नहीं ले सकते आप कभी भी मैच को। 3 ओवर का खेल ठिकाने लगा है, 42 हो चुका है, अगर बिल्कुल जी 42 after 3। एक छक्का लगा के विकेट पे मौजूद है बल्लेबाज साकिब रैना के साथ, अच्छा शॉट खेले हैं, गैप में खेले, 4 रन का इजाफा होगा। इसी तरह के छक्के चौके चाहिए, एक तगड़ा टारगेट अगर आप सेट करना चाहते हैं। तैमूर मिर्जा अभी तक बिल्कुल ठंडे हैं, कमाल की बल्लेबाजी की थी। कासिम यू ब्यूटी, दूसरा छक्का कासिम शाफी के बल्ले से। तैयब अब्बासी, नहीं तैयब ऐसे काम नहीं चलना, नाम ऐसे नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। कासिम शफी अभी तक जान मारते हुए अपनी टीम के लिए अपने तजर्बे का फायदा उठाते हुए बाल का ओवर करके दिया। पहले ही ओवर में 2 मैन में विकेटें चटकाई, जबरदस्त बॉलिंग की है अब्दाली ने, सरदार ने, अच्छा बॉल, चार ओवर का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। रन्स 57 उमरी पेसर फ्रॉम लाहौर, नए आने वाले बॉलर हैं उमरी, तीसरा बॉल करेंगे लास्ट ओवर का। फिर से अच्छा बॉल किया है, 3 बॉलें की हैं, तीनों समझ ना पाए कासिम शफी, रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक। अब्बासी अब सामना करेंगे, इसी तरह हमारा साथ देने है। तैमूर मिर्जा की बैटिंग अभी बाकी है, स्लोर वन फिर से डाला है, बल्ला कहाँ बाल कहाँ, अगर आपने पहले नहीं खेला हुआ उमरी पेसर को तो बहुत मुश्किल में आपको डालेंगे। बल्लेबाज खड़ा होता है कि बाल एक बार रफ्तार बाल आएगा, 140 पियां वाली जाके तो मार सी अच्छी सटी देना असी अन्ना हुआ ली, सिर्फ एक रन पहले 4 बॉल। ये लीजिए, इसी का जिक्र मैंने किया था ओवर स्टार्ट होने से पहले, लेकिन अच्छी बात यह है कि विकेट कीपर के बिल्कुल पीछे फील्डर लिया हुआ है और उसी ने इस बॉल को रोका है। नासिर भाई को मैं कह रहा था कि 2 5 आगे तो काम अच्छा हो सकता है, लेकिन बल्ले से रन नहीं आया। अब आप देख सकते हैं कि अंगूठे का निशान स्क्रीन पे बना हुआ है मोबाइल पे, उस पर अंगूठा लगाएं बार बार। ये लीजिए जसप्रीत का दरिस, वाह वाला शॉट, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अगर एक और छक्का लगा दो तो एक फाइटिंग स्कोर स्कोरबोर्ड पे बिल्कुल लग सकता है। लोकल्स पे भारी जिम्मेदारी होगी। अच्छा बाल किया उमरी ने, अपने आप से ना खुश हैं तैयब अब्बासी, सिर्फ एक छक्का लगा सके रन आउट हो जाएंगे। 69 रन का टारगेट है 5 ओवर में। जेडी ब्रांड के साथ ओपनिंग के लिए तैयार टीम फैसलाबाद की तरफ से, इनका मुकाबला हुआ था, पहला ओवर किया था बाबर कटर ने और वहां पे क्लीन बॉल किया था, सिर्फ 3 रन का ओवर किया था बाबर कटर ने, तैमूर मिर्जा को आउट किया था। तो तैमूर मिर्जा है फिर से सामने, क्या यहाँ पे तैमूर मिर्जा बदला लेंगे या बाबर कटर फिर से आ भी रहेंगे। हे वी गो जी, पहला बॉल दूसरी इनिंग्स का, पहली बॉल में शॉट खेले क्या ड्रॉप, तैयब अब्बासी आपको पता है कि आपने किसका क्या ड्रॉप किया है, बाबर कटर असद बड़ी निगाह से देखते हुए तैयब अब्बासी को, बैटिंग भी अच्छी नहीं की और डीप मिड विकेट पोजीशन पे मौजूद थे और एक आसान कैच यहां पे ड्रॉप किया, सीधा बॉल उनके पास जा रहा था बाबर, अच्छा बॉल हिला है बॉल हल्का फुल्का, लेग बाई की सूरत में रन मिलेगा। एक स्ट्राइक पे फिर से आ चुके हैं तैमूर मिर्जा, जज भाई जो है बाबर कटर एक बार फिर से, वाह पहला छक्का तैमूर मिर्जा के बल्ले से,
अपनी अपने होने का एहसास दिलाया है यहाँ पे मुखालिफ टीम्स को। सामना करेंगे बाबर कटर का, बाबर कटर जबरदस्त बहाल, मुस्कुराए हल्का फुल्का, जबरदस्त ओवर किया, पहली बार पे चांस क्रिएट किया लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया, तैयब अब्बासी ने और एक आसान कैच को ड्रॉप किया, पहले ओवर का खेल अपने ठिकाने लगा है और 15 रन आए हैं जी। हमजा जदून सामने गुज्जर, ब्रिलियंट शॉट, पहला छक्का गुज्जर के बल्ले से, तान वर्सेस फैसलाबाद, अंपायर सिग्नल नो बॉल, बैक टू बैक 2 sixes फ्रॉम द बैट ऑफ गुज्जर, चौपड़िया वो भी 2-2, इसका क्या मतलब, फिर की फ्री हिट मिल चुकी है, दो छक्के दो लगा चुके हैं, क्या छक्के अपने काम में कामयाब हो पाएंगे, देखते हैं क्या होता है, हमसे जो दो लेकिन नहीं है संकेत, फ्री हिट अपने आप में वहां बता में हुए का भरपूर फायदा ना उठा पाए, तैयब अब्बासी है फील्डर, अब की बार कैच लिया लेकिन कोई फायदा नहीं, थ्रो बिल्कुल अच्छा नहीं, कासिम गुस्सा करते हुए, तैयब आज कुछ ऑफ कलर है, पुल्ड अवे एंड पुल्ड नाइसली, उमर गुज्जर, शारत बैश एक्सली वेलकम, चक्का, कासिम शफी कह रहे कम से कम जान तो मारो, ये कैसी बॉलिंग कर रहे हो, हमजा जदून बिल्कुल बेबास, तैमूर मिर्जा वर्सेस उस्ताद जहीर, छोटा विक्की, अनदर वन, हवाओं को चीरता पाटता बाल बाउंड्री लाइन से बाहर, फ्लैट सिक्स मोर, चक्कों की बरसात, दिन में तारे दिखाते हुए हमजा जदून को, उमर गुज्जर 49 रन हो चुका है, 20 रन बाकी है 18 बालों पे, अल्लाह अकबर, अजान ब्रेक के बाद वेलकम, 17 बाल 19 बाकी, तैमूर मिर्जा सामना करेंगे सुल्तान का, ब्रिलियंट शॉट फ्रॉम द बैट ऑफ टीएम, गुजरांवाला की टीम ने पहला मैच लूज किया था और फिर भी सेमीफाइनल, दैट्स ह्यूज, दैट बिगी, वाह 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 शॉट, मिर्जा यू ब्यूटी, और उमर बाजवा वर्सेस गुजरात होगा अगला मैच, बालावा में, और मैच विन कर लिया और मैच पड़ चुका है उस्ताद जहीर, मुल्तान वर्सेस फैसलाबाद।